साथियों, आज हम यहाँ गुना में आए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 15 तारीख को जो पुलिस क्रूरता और जो यहाँ के प्रशासन की क्रूरता का जो आपने चेहरा देखा है यहाँ पर कि किस तरीके से एक गरीब मजदूर को जो बटाई पर यहाँ खेती कर रहा था, आप ये देखो खेती देखिए, ये इस पोजीशन पर भी खेती है, बोई जा चुकी है। इस समय अगर ये तो बटाईदार था जिसके साथ मारपीट हुई और जिसको जहर खाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जो जिस पार्टी ने जो इसको अगर कब्जा भी किया हुआ है और लगातार वो पट्टे की डिमांड कर रहा है जैसे कि ये बता भी रहे हो, तो ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ये पुलिस प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने बड़ी असंवेदनशीलता के साथ में काम किया है। और जो पुलिस ये अत्याचार का जो क्रूरतम रूप इस घटना में दिखा है वो वाकई पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। अभी पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज है, हम लोग अभी इसके बाद यहाँ से मिलने जाएंगे, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ से निकल के आई है, आप देखिए कितने गरीब लोग हैं ये। अभी लॉकडाउन के समय में जब गरीब देश का गरीब मजदूर दो जुगत की रोटी, दो समय की रोटी के लिए मारामारी में लगा हुआ है, उसे घर से निकलने के मौके नहीं है, ऐसे में एक किसान द्वारा, एक मजदूर किसान द्वारा उधारी लेकर जिसके खेती बटाई पे कर रहा है वो, उसको पैसा एडवांस में देकर उसने खेत बोया, और अब आप देखोगे कि करीब ये डेढ़ या दो महीने पुरानी फसल है और अभी कुछ समय में तैयार भी हो जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उनको मौका दें। और जैसा यहाँ बताया गया कि उन्हें कोई भी नोटिस अभी तक सर्व नहीं किया गया है, यानी कि सीधा सीधा शासन प्रशासन की दादागिरी का मामला है। जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे कानूनों का हवाला दिया जा रहा है, ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर जब तक कोई विकास कार्य नहीं है तब तक वहाँ पे अगर कोई लंबे समय से 30-32 साल से जो खेती कर रहे हैं, वैसे तो उनका अधिकार बनता है। और अगर SC ST के मामले हैं, अगर खेती करने वाला SC ST का बंदा है, तो सरकार को आगे से चाहिए कि उनको पट्टा दे। वैसे भी हमारे देश में SC ST के जो लोग हैं उनके पास जमीन के मालिकाना हक बहुत कम जमीन पर है, ऐसे में अगर आप देखिए कितने गरीब लोग हैं, ये कब्जा कर लेंगे ये जमीन। इधर दिखाइए, इधर 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 दिखाइए, इधर एक सेकंड, ये शांत रहिए। ये जो उन्होंने, जो किसान दंपति ने जहर खाया, एक सेकंड शांत रहिए, किसान दंपति ने जहर खाया, ये उनके पिताजी है। आपको जो पुलिस अत्याचार का जो क्रूरतम रूप यहाँ पे आपने देखा, अब आप देखिए ये कब्जा कर सकता है किस उसमें, दबंगे पे कब्जा कर सकते हैं, ये कब्जा नहीं कर सकते। ये 30-32 साल से खेती कर रहे हैं, बटाई पे खेती कर रहे हैं, कर्ज लेके ये खेती बोते हैं। एक सेकंड सर, शांत रहो। हाँ, ऐसे में आप एक बात आइए, कानून चाहे लाख हो, लेकिन अभी जब लॉकडाउन का समय है और जब खेती खड़ी है, तो एक संवेदनशील व्यवहार की एक अपेक्षा रहती है शासन प्रशासन से। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से एक ब्रूटली यहाँ पे लोगों को पीटा है और अभी पूरा परिवार उनका हॉस्पिटलाइज है, तो ये बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। मैं राजस्थान से चलकर आया हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जाटव है, और जिस तरीके से वो बच्चों के रोते बिलखते जो फोटोज हमने देखे, तो हर इंसान का जो एक हमें अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है कि हम किस लिए हैं। ये अगर ये सभ्य समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक है कि वो बच्चे जिस तरीके से रो रहे थे, और मेरा शिवराज चौहान जी से भी निवेदन है कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी एक पिता की, एक पालक की होती है। ऐसे में अगर जब ये लॉकडाउन का समय है, जब मजदूर दो दो वक्त खाने के लिए मोहताज हैं, ऐसे में आप उनकी फसल ऐसे चौपट कर दीजिएगा तो जाएंगे कहाँ। और ये देश की संसाधन है, आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए था इस जमीन से बेदखल करने से पहले। जब आपको मालूम है कि 32 साल से यहाँ खेती की जा रही है, तो ऐसे में अगर आप उन्हें यहाँ से हटाते हैं, तो शिवराज सिंह जी चौहान को ये तय कर देना चाहिए था कि इनको अपने जीविका के साधन मुहैया कराएं, लेकिन उस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ दादागिरी। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ की सारी बातों से कि कहीं ना कहीं ऊपर के इशारे से कुछ मिली भगत से इन गरीब लोगों को खदेड़ने की एक साजिश है। जो यहाँ पर ये 32 साल से हैं, इनको यहाँ पे इनको जरूरत थी कि यहाँ पे इनको जमीन दी जाती खेती के लिए। आप देखिए ये और क्या कार्य कर सकते हैं, ये खेती में ही मर सकते हैं, खेती मजदूर लोग हैं, यहीं जिएंगे, खाएंगे क्या, उनको आप बेदखल कीजिएगा, उखाड़ के फेंक दीजिएगा। तो मेरा ये यहाँ पर हम आए और यहाँ के शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इनके लिए कम से कम जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जाएं,
इनको या इनको जो पट्टे की डिमांड कर रहे हैं, पहला अधिकार जमीन पे, खेती जमीन पर हम किसानों का है, जो दलित आदिवासी जैसे कमजोर समाज के गरीब किसान है उनका अधिकार है। और शिवराज सिंह चौहान जी को एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज घटना के 3-4 दिन बाद भी आपके इतनी विवश, जो पूरा देश शर्मसार हुई है इससे इंसानियत, आपने यहाँ पर आकर इन लोगों के हालचाल लेना भी जरूरी नहीं समझा। ये आपके शासन का और आपका जो ये एक चेहरा दिखाता है कि आप कितने गरीब और दलित विरोधी आपका शासन प्रशासन है और आप हैं। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं राजस्थान से यहाँ चल के आ सकता हूँ तो आप तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कम से कम उन रोते बिलखते बच्चों के अगर आपने फोटो देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से एक आपके अंदर दया भाव होनी चाहिए थी। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आओ उनके साथ बैठो और देखो वो कैसे अगर जमीन को कब्जा कर सकते हैं गुंडई है कि आपके 20-25 से ज़्यादा तादाद में यहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने इस तरीके से मारपीट की। साथियों, अब हम लोग यहाँ से अब हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ पर ये सभी जो लोग बीमार हैं और मारपीटा है, जो भर्ती है, हाँ भर्ती है, जहर उन्होंने पीने मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर किसी के अगर जब जीवों को उपार्जन के अगर साधन ही छीन लिए जाएंगे तो उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो सरकार का देखा आपने कितना रवैया है। अब हम लोग उनसे जो भर्ती हैं जिनके साथ पुलिस ब्रुटलिटी हुई है, अब उनसे वहां मिलेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। अब ये भदौरिया की जमीन है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।